हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसके फूल इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि इसके फूल को देख करके आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो इस प्लांट का नाम है टेक्सास सेज, और इसे टेक्सास रेंजर के नाम से भी जाना जाता है, और बैरोमीटर बुश के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो है सिल्वर लीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो सिल्वर लीफ के नाम से इसे इसलिए जानते हैं, तो इसकी जो ये आप लीफ देख रहे हैं, तो ये जो लीफ होती है इसकी, इसका जो कलर है वो बिल्कुल सिल्वर की तरह, मतलब कि वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है, मतलब लगता है, होता है, और सिल्वर कलर की जो है देखने में लगती हैं। तो आप देख सकते हैं जो न्यूली लीव्स हैं वो बिल्कुल सिल्वर कलर की ही हैं। तो जिस टाइम पर इससे प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती, उस टाइम पर भी ये प्लांट अपनी खूबसूरती से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और वैसे तो इस प्लांट पर जो है पूरे साल ही थोड़ी बहुत फ्लावरिंग चलती है, लेकिन मई और बरसात के समय जो है इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये एक परमानेंट प्लांट है, और इसके साथ साथ ये हार्डी प्लांट भी है। बहुत जल्दी से इस प्लांट पर जो है मतलब किसी तरह का असर नहीं होता, जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। तो जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जो बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं कर सकते अपने प्लांट की, या फिर जिनके पास टाइम कम होता है और वो चाहते हैं कि उनके गार्डन में भी कोई फूलों वाला प्लांट हो, तो ये प्लांट वो ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट मैं इसको कहूँगी। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कटिंग से लगा भी सकते हैं, तो उनके लिए ये प्लांट्स बहुत अच्छा है। और तो आज इस वीडियो में हम इस प्लांट की पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके कलर की अगर बात करूं फ्रेंड, तो इसमें चार कलर आते हैं। इसमें वाइट कलर आता है, पिंक आता है, और एक ही जैसे ये देख रहे हैं आप पर्पल, और इसके अलावा एक लैवेंडर कलर आता है। तो कॉमनली जो है वो पर्पल ही और पिंक ही ज़्यादा मुझे जो है देखने के लिए मिलता है। तो मेरा जो ये प्लांट है, मैंने भी इसको पिछले साल अगस्त में कोटा की नर्सरी से ख़रीदा था, और अभी आप देख सकते हैं कि प्लांट एक साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस टाइम पर जो है ये फर्स्ट फ्लावरिंग इस मेरे प्लांट पर हुई है। तो कोटा की नर्सरी से हमने ये करीब 60 या 70 रुपए का, बहुत ही छोटा सा, करीब ये इतना ही रहा होगा मुझे लग रहा है, इतना छोटा सा ये प्लांट लिया था। तो एक साल भर में आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, और इसकी शेप भी आप बहुत अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसी शेप आप चाहिए। तो वैसे ये झाड़ी की तरह बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत बुशी भी हो जाता है। तो अगर इसके टाइम टाइम पर आप प्रूनिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब कि शेप में भी आ जाता है, जैसी शेप आप चाहें तो दें। और इसके फूल आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, और मेरे जो फूल हैं इसके प्लांट के, वो थोड़े से मुझे लाइट कलर लग रहा है। तो मैंने बाकी वीडियोज़ में देखा था, उन सबके जो फ्लावर्स का कलर था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, लेकिन आप फूलों की क्वान्टिटी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है फूलों से भरा हुआ है। और इसके अलावा जो है बरसात में जो है इस पर और भी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है। तो कहते हैं कि ये प्लांट, मैंने वीडियो में ही ऐसा सुना था कि जिस तरह एक चातक पक्षी होता है, वो बारिश की बूंदों का इंतज़ार करता है और उसके बाद जो है फिर से वो उसे नया जीवन मिलता है, इसी तरह ये प्लांट भी जो है बारिश का इंतज़ार करता है, और जैसे ही बारिश की चार बूंदें गिर जाती है इस प्लांट पर जो है इतनी हैवी फ्लावरिंग होती है, तो पूरा प्लांट ये फूलों से भर जाता है और पत्ते कहीं भी नज़र नहीं आते। तो मैंने भी जब इस प्लांट को फर्स्ट टाइम देखा था, तो इस प्लांट पर मतलब कहीं हम गए थे घूमने, तो वहाँ रेस्टोरेंट में लगा हुआ था, तो उस टाइम पर उस प्लांट पर एक भी पत्ता नहीं था, सिर्फ फूल ही फूल थे। तो पहले मुझे वो लगा कि शायद आर्टिफिशियल है, लेकिन वो जब मैंने घर में आके अपने हस्बैंड यानी प्रोफेसर जी को बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो टेक्सास सेज का प्लांट है। तो उसी टाइम पर डिसाइड कर लिया था कि इस प्लांट को जो है घर में मुझे लगाना ही है। तो बस उसके बाद जो है हम कोटा की नर्सरी गए और वहाँ से जो है ये प्लांट लेके आए। तो बात करते हैं इसकी ग्रो केयर की। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि इसे कैसे लगाया जाए। तो आप इसे फर्स्ट टाइम तो नर्सरी से ही मंगा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और जल्दी से, वैसे हर नर्सरी पे तो ये नहीं मिलता है,
और इसके अलावा अगर आपको इसकी कहीं से कटिंग मिलती है तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप इसे नर्सरी से ले आएँ और बाद में इसकी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। इसकी कटिंग को आप बरसात के समय अगर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इसके सक्सेस होने के। कटिंग को जब भी लगाएं थोड़े दिन शेड में रखें और सैंड में ज़्यादा लगाएं तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता है। और वैसे भी ये जो प्लांट है ये एक डेजर्ट का प्लांट भी माना जाता है, तो रेगिस्तानी एरिया में इलाकों में ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा भी मैंने वीडियो में सुना कि वहाँ पर जब रेगिस्तानी एरिया में यानी कि जो रेतीले एरिया होते हैं ना, तो वहाँ डेजर्ट एरिया में जब हवा चलती है तेज तो उससे क्या होता है जो है सैंड उड़ती है, और जब बरसात के समय में जो पानी का कटाव सॉरी इस रेत का यानी मिट्टी का जो कटाव होता है वो होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बांधे रखने के लिए ये प्लांट बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से जो है डेजर्ट में इसका ये काम होता है, तो इसलिए ये प्लांट और भी ज़्यादा जो है मतलब कि अच्छा है। और दूसरा ये डेजर्ट का प्लांट है इलाकों में पाया जाने वाला मतलब ज़्यादा, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा देख रेख की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो अब बात करते हैं हम इसकी कि इसको कैसे पॉट में लगाएं। तो फ्रेंड ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ में होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं, तो जब आप इसे लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप इसे 8 इंच के पॉट से ही लगाना शुरू करें, तो उसमें बहुत अच्छे से होते हैं। और जैसे जैसे आपका प्लांट फिर बढ़ता जाता है आप इसे जो है अपने पॉट का यानी प्लांटर का भी साइज़ जो है बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसके सॉइल की, तो सॉइल की मैं अगर बात करूं तो आप इस प्लांट के लिए वेलरिन सॉइल ही बनाएं, और उसमें आप वही एक पार्ट जो है गार्डन सॉइल का ले लें, एक पार्ट आप उसमें जो है रिवर सैंड यानी रेतली मिट्टी का ले लें, और एक पार्ट आप उसमें कंपोस्ट का ले लें। इस तरह से आप जो है इसके लिए वेलरिन सॉइल बनाएं। और मैं ये कहूँगी कि सॉइल बनाने के बाद उसमें थोड़ी सी सॉइल आप सॉरी जो रिवर सैंड है उसको और ऐड कर लें, क्योंकि ये एक डेजर्ट में पाया जाने वाला प्लांट है, तो ये सैंड में बहुत अच्छे से मतलब कि ग्रोथ करते हैं, तो आप इसमें सैंड को अगर थोड़ा और भी ज़्यादा मिला लेंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा, काफ़ी लंबे समय तक जो है बना रहेगा। तो मेरा छोटा सा प्लांट ही आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग पर है। इसके अलावा आप सनलाइट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड ये फुल सनलाइट का प्लांट है, एक सन लविंग प्लांट भी इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट में होने की वजह से आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए। आप इसे ग्रीन नेट के नीचे बिल्कुल ना लगाएं समर में, और किसी शेड में भी ना रखें, उससे ये प्लांट थोड़ा लैगी सा हो जाएगा और फ्लावरिंग में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है और पत्तियों में भी। तो आप इसे बिल्कुल ओपन एरिया में रखें, खुले में रखें। तो मेरा ये प्लांट जो है इस टाइम पर भी मई की तारीख है आज 10 और फुल सनलाइट में रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि प्लांट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसे जहाँ भी रखें फुल सनलाइट में रखें, और जितनी अच्छी सनलाइट आप इसे देंगे उतना ही अच्छा ये जो प्लांट है फ्लावरिंग करेगा। और जिस टाइम पर इस पर फ्लावरिंग नहीं भी होती तो ये प्लांट उस टाइम पर भी बहुत ही खूबसूरत लगता है इसकी पत्तियों के साथ। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की, तो जैसा मैंने बताया कि ये डेजर्ट का एक प्लांट है तो इसको पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। आप इसे पानी तभी दें जब इसकी जो सॉइल है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। आप इसे एक दिन छोड़ कर के भी पानी दे सकते हैं, इस प्लांट पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। तो बस इसकी वाटरिंग में आपको इतना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके कंपोस्ट की, तो ये प्लांट एक बहुत ही लो फीडर प्लांट है, इससे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैंने भी जब ये लगाया था करीब 9 महीने पहले तभी हमने इसमें कंपोस्ट दी हुई है, उसके बाद तो नहीं दी है। तो आप उस टाइम पर तो हम देते ही हैं जब सॉइल इसकी प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसी टाइम पर जो है एक बार तो कंपोस्ट तब दे सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप साल में ऐसे 2 या 3 बार कंपोस्ट दे दें तो इसके लिए बिल्कुल सफिशियंट है, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ कि बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है, ना ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत और ना ही ज़्यादा पानी की। बस एक ही चीज़ आपको इसको फ्री की देनी है, वो है सनलाइट, जिसमें आपको बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करने। तो जितनी अच्छी सनलाइट में आप इसे रखेंगे ये उतनी ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा।
तो बस इस तरह से आपको इसकी केयर करनी है फ्रेंड्स। और इस प्लांट को जब आप अपने टेरेस पे लगाएंगे तो इससे पॉलिनेटर्स भी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे इस प्लांट पर भी छोटी छोटी सी मक्खियाँ हमेशा इसमें रहती हैं। और अभी सुबह का टाइम है, 6 भी नहीं बजे हैं, तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके फ्लावर जो है ये देखिए ऐसे झड़ते रहते हैं, तो ये देखिए सारे में इसके ये पड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर सा जो है लगता है। तो मैंने सोचा मैं इसका वीडियो शेयर करती हूँ। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो मेरे इस प्लांट पर जो है अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले से ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ कि इतना अच्छा फ्लावरिंग अगर प्लांट है तो आपको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो मैंने तो इसके फूल से मुझे बहुत ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हुई, तो मैंने अपने गार्डन में इसको ऐड किया। तो आप भी अपने गार्डन में इसे जल्दी से ऐड कीजिए, क्योंकि ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिना देख रेख के ये बहुत आसानी से चल जाएगा। और मुझे लगता है मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको लगता है वैसे इस प्लांट पर किसी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक होता नहीं है, मिलीबग्स के वगैरह या किसी का भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कहीं कई बार और प्लांट पास में होते हैं हमारे टेरेस पर, तो उनकी वजह से हो सकता है, तो आप इस पर हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे जो है आपके प्लांट की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप थोड़े दिन कंटिन्यू करें, ये नहीं कि आपने एक बार कर दिया और जो है वो मिलीबग्स जो है चले जाएंगे। तो आप इसको जो है 2-4 बार कर लें, क्योंकि कई बार एक बार करने से जो है प्लांट पर जो है उनके कुछ ना कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, एक्स रह जाते हैं, तो वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से जो है आप इस पर हफ्ते में एक बार या 2 बार नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको कटिंग से बता ही दिया कि आप कटिंग से इसको जो है बरसात के समय लगा सकते हैं। बरसात के समय ये प्लांट बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग, तो उस समय आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। कटिंग जब भी लगाएं तो एक मैच्योर सा पार्ट लें और जिसमें करीब 2 या 3 नोड पार्ट ज़रूर हों, और जब उस आप कटिंग को लगाएं तो थोड़े दिन उसको शेड में रखें, और जहां तक पॉसिबल हो कटिंग हमेशा थोड़ी सैंड में ही लगाएं। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग से ढेरो प्लांट भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो आप इसे अपने गार्डन में कब ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं तो इसे लगाकर बहुत ज़्यादा खुश हूं। और आप देख ही सकते हैं कि छोटे से प्लांट पर ही कितनी ज़्यादा अच्छी हैवी फ्लावरिंग है। तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि इसके फूल कल से झड़ने ही स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने सोचा, और ऊपर से यहाँ हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है हमारे राजस्थान, जैसे कि मैं कोटा से हूँ, तो मैंने सोचा कल तक पता नहीं इस प्लांट की फ्लावरिंग जो है रहेगी या नहीं, तो इसीलिए मैंने आज जल्दी से उठ करके इसका वीडियो आपके लिए बनाया, ताकि आप इस खूबसूरत प्लांट को देखें और अपने गार्डन में ऐड करें। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी टेक्सास सेज प्लांट के बारे में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।